Assalamualaikum everyone. My name is Reha. Welcome to my kitchen. आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मटर का पुलाव। चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीजें शामिल करेंगे। ओके, मेरे पास यहाँ पे साबुत गरम मसाला है। मैंने एक बड़ी इलायची ली है, तीन छोटी इलायची है ग्रीन वाली, हाफ मैंने इसमें सैल्मन स्टिक ली है, थ्री मेरे पास लॉन्ग्स है और थोड़ी सी मेरे पास काली मिर्च है लाइक टाइम्स के करीब। ओके, और यहाँ पे मेरे पास तेज पात है थ्री, इसे बेबी लीफ भी कहते हैं। और यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून सौंफ थी और हाफ टी स्पून अजवाइन एंड वन टी स्पून मेरे पास जीरा, तो ये मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया है। जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये तीनों हम यूज करेंगे इसके अंदर। टू टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, वन कप मेरे पास योगर्ट है और यहाँ पे मैंने एक बड़ा आलू उसका काट के और इस तरीके से उसको शेप में कर लिया था। ओके, मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा कप मटर का है। सॉल्ट यूज करेंगे हसबेंड जायका। स्लाइस की हुई ऑनियन है मेरे पास एक बड़ा कप। ओके, हाफ कप मेरे पास टमाटर हैं, हाफ कप मेरे पास हरी मिर्चें हैं। ये मेरे पास बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं जो कि तेज नहीं होती हैं, इसलिए मैंने इसको एक बड़ी हरी मिर्च को इस तरीके से काट लिया था। यहाँ पे एक कप के करीब मेरे पास मिंट है और कोरिएंडर लीव्स हैं दोनों, धनिया एंड पुदीना। ओके, दो कप मेरे पास राइस है जो मैंने 1 आवर्स पहले भिगो दिए थे पानी में। ओके, मेरे पास ऑलिव ऑयल है और चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये अपनी पतीली को प्री हीट कर लिया था, मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। आप तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं। स्लाइस की भी ऑनियन डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ओके, हमारी ओनियन बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसके अंदर, हमें यही कलर चाहिए था। हम थोड़ी सी ओनियन निकाल लेंगे ताकि हम अपने राइस के ऊपर डालेंगे आखिर में, उसे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है ऊपर पड़ा हुआ ओनियन। ओके, ये हम थोड़ा सा फैला देते, मैंने एक टिश्यू लेके किचन टॉवल है, ये टिश्यू मेरा बड़ा मोटा सा है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ी बची है, अब हम इसमें अपने साबुत गरम मसाले डालेंगे जल्दी से। ये हमारे साबुत गरम मसाले थे। ओके, हम इसको डाल देते हैं और इसको अच्छे से इसमें ऑयल में सौते कर लेते हैं। ओके, बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है अभी से इसके अंदर। ओके, हम तेज पात भी ऐड करते हैं। ओके, हम जीरा, अजवाइन एंड सौंफ जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, हाफ टी स्पून सौंफ है, हाफ टी स्पून अजवाइन है और 1 टीस्पून मेरे पास जीरा है। अगर किसी को अजवाइन स्किप करनी है तो वो कर सकता है, बात लोग पसंद नहीं करते इसकी स्मेल, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है डाइजेस्ट के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। जीरा भून लेते हैं इसके अंदर। ज्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी प्याज जो है अच्छी खासी गोल्डन हो गई है और काली हो जाएगी। हम इसको हटा देते हैं इस प्याज को। अब हम इसमें अदरक लहसुन पीस डालते हैं। बहुत
कुछ बहुत अदरक लहसुन की ये फ्राई है मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको पीसा था। अब उसमें पहले मटर डालते हैं अपने और साथ में हम आलू भी डाल देते हैं अपने क्योंकि हमारे आलू कच्चे हैं बॉइल नहीं है तो इसको पकने में टाइम लगेगा। साथ में हम योगर्ट डाल देते हैं, योगर्ट पका पानी छोड़ेगा तो आलू हमारे इसमें गल जाएंगे अच्छे से। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं, टमाटर ऐड कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा ये गलेगा तो हम फिर अपनी हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसे डाल देंगे तो हरी मिर्च बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। टेबल स्पून है, एक टेबल स्पून डालेंगे और हाफ फिर डालेंगे, उसके बाद टेस्ट कर लेंगे, अगर कम हुआ तो फिर थोड़ा डाल देंगे। ठीक है, शुरू में ही ज्यादा डाल दें तो फिर कम करना मुश्किल का हो जाता है क्योंकि राइस भी पड़ेंगे इसके अंदर, हम दोबारा डाल देंगे। थोड़ी देर इसको पकाते हैं सारी चीजों को। ओके, हम देखते हैं अब इसके क्या हाल हैं। हमने इसको लिड इसका कवर कर दिया था, देखें दही ने बहुत अच्छा सा अपना पानी छोड़ दिया। अब इसी में हमारे आलू भी डन हो जाएंगे और हमारे टमाटर भी इसी में कर जाएंगे। ठीक है, आलू चेक कर लेते हैं अपने नाइफ से। ये भी बहुत कसर है इसके अंदर। ओके, आलू को अंदर कर देते हैं पानी के अंदर। हम इसको लिड कवर कर देते हैं ताकि जल्दी से हमारे आलू गल जाएं। ओके, हम इसको खोल के देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी अभी। ओके, काफी पानी हमारा योगर्ट का ड्राई हो गया है। ओके, इस टाइम पे हम अपनी हरी मिर्ची डालेंगे। हमने इस तरीके से उसको काट ली थी, मेरे पास बड़ी हरी मिर्ची थी जो के तेज नहीं होती है। ठीक है, एक ही यूज की है मैंने। यहाँ पे हम धनिया पुदीना हमारे पास था वो डाल देंगे इस टाइम पे, थोड़ा सा बचा लेंगे खाली ऊपर गार्निश करने के लिए। ओके, अब इसको हम इसके साथ अच्छे से भून लेते हैं।
ये डन हो गया। ओके, अब हम इसमें अपने राइस डालते हैं। पानी सारा निकाल लिया, 2 कप राइस थे मेरे पास जो कि मैंने ये बनावट पहले इसको सोक कर दिए थे। ये बासमती राइस है, ठीक है। दो कप राइस है तो हम इसमें 2 कप ही पानी ऐड करें। मेरे पास काफी भीगे हुए राइस है तो ये मेरा बड़ा स्पून है तो मैं इसको सही ही चलाऊंगी। इसको मैं इसको छोटे स्पून से चलाऊंगी तो मेरे राइस इस तरीके से टूटेंगे नहीं। अगर मैंने इसमें इस टाइम पे बड़ा स्पून डाला तो ये राइस को तोड़ देगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मिंट की, आप मिंट यूज करके देखिएगा पुलाव के अंदर, बहुत ही इसको अच्छा स्मेल देता है, बहुत अच्छी खुशबू देता है। हम थोड़ा सा सॉल्ट, बिल्कुल ठीक है, इसको हम दम पे लगा, इसको अभी पकने देते हैं फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। पानी इसका काफी ड्राई हो गया है, देखें इतना पानी अभी इसमें है नहीं, बस इस टाइम पे जब ये बबल से आने लगे तो हम इसको दम की पोजीशन पे लेके जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे एक किचन टॉवल है, मैं इसको इस पर रखती हूँ। आपके पास कोई कपड़ा हो, कुछ भी अखबार न्यूज़पेपर हो या मेरे पास ये अवेलेबल है इस वक्त, तो हम इसको बिल्कुल स्लो पे कर देंगे। अब ये हमारे पास दम की पोजीशन पे है तो हम इसको 5 मिनट्स के बाद इसको ओपन करेंगे, ठीक है, फिर आपको बताएंगे कि ये कैसे लगता है। ओके, दम पे लगे हुए हमारे पास तकरीबन 5-7 मिनट इसको हो गए हैं। हम इसको जरा चेक कर लेते हैं इसकी क्या कंडीशन है अभी। ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, थोड़ा ऊपर नीचे करके देखते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारे राइस कुक हुए हैं। हमारे राइस डन हो गए हैं, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। जैसा कि आपने देखा था हमने इसमें थोड़ा सा मिंट और कोरिएंडर लीव और फ्राई ऑनियन डाली थी जो कि हमने स्टार्टिंग में निकाल ली थी। आज मैं आपके साथ अपने फ्राइडे फुल मेन्यू शेयर कर रही हूँ। मटर का पुलाव है मेरे पास, तंदूर की रोटी है, कोफ्ते और अंडे हैं, ये दही बड़े हैं और ये सैलेड है। ये मेरा फ्राइडे का डिनर है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। फिर दोबारा लौट के आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़, बाय।